देख रहे हैं अलाइव 24 न्यूज, देश की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलाइव 24 न्यूज, मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। बाराबंकी में कच्चे मकान में अचानक आग लगने से मकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। सूचना पर पहुंचे तहसील प्रशासन के कर्मचारियों ने पीड़ित को जरूरत का सामान भी उपलब्ध कराया। आपको बता दें कि बाराबंकी के विकास खंड सिद्धौर क्षेत्र के अंतर्गत मोहम्मदपुर ग्राम पंचायत के चंदी सिंह गांव निवासी राजेश पुत्र भाई लाल के मकान के छप्पर में अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई। घर में रखे 20,000 रुपए नकदी और जरूरत का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं सूचना पर पहुंचे लेखपाल आनंद प्रकाश व कोटेदार दिनेश कुमार ने पीड़ित को जरूरत का सामान उपलब्ध कराया। वहीं दूसरी ओर बाराबंकी में पैसे के लेन देन के विवाद के चलते अज्ञात बदमाशों ने पिता पुत्र पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। दोनों को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। आपको बता दें कि बाराबंकी के नगर कोतवाली क्षेत्र के ओवरी नहर कॉलोनी निवासी नंद कुमार अग्निहोत्री अपने घर पर बैठे थे, तभी अचानक अज्ञात व्यक्ति आया और उनके बेटे के बारे में पूछने लगा। तब तक इनका दूसरा बेटा बाहर आ गया। ये लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसके चलते पिता पुत्र घायल हो गए, जिन्हें ट्रामा सेंटर में भर्ती करा दिया गया है। दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि पुलिस ने सूचना दर्ज कर पुलिस टीम गठित कर दी है, बहुत जल्द बदमाशों की गिरफ्तारी कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। निष्कासित बताया ना, ये नंद कुमार अग्निहोत्री हैं। इन्होंने बताया कि आज शाम को 8:45 बजे के लगभग ये अपने घर पर थे। उस समय कोई अज्ञात व्यक्ति आया जो इनके लड़के के बारे में पूछ रहा था। इन्होंने जब उससे पूछताछ की कि लड़के के बारे में क्यों पूछ रहा है, तब तक इनका मझला लड़का आ गया और जब तक ये समझते तब तक उस व्यक्ति ने फायर कर दिया, जिसके छर्रे इनके चेहरे पर और इनके लड़के की बाह पर लगे हैं। पूछताछ पर अभी इन्होंने बताया कि जो आरोपी है उसका और इनके छोटे लड़के का लेन देन का विवाद है, जिसमें कई बार समझौता कई बार बातचीत हुई है लेकिन कोई समाधान अभी तक नहीं निकला है। प्रथम दृष्टया लेन देन के संबंध में इस तरह की घटना प्रतीत हो रही है। आरोपी के संबंध में जानकारी मिल गई है, पुलिस टीम्स लगी हुई हैं, शीघ्र उसकी गिरफ्तारी करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये थी बाराबंकी से हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। ऐसी खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।